सारी चीज़ें जो हैं, और महिलाओं में अगर ये समस्या है तो कहीं ना कहीं ओवरी से संबंधित दिक्कत हो सकती है। अगर शुक्र के पर्वत पे जो है तिल है, ओवरी में यहाँ पर अंडाशय बनते हैं, उससे दिक्कत हो सकती है। ये उंगली और पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये अगर तिल यहाँ यहाँ है तो ये दिक्कतें परेशानियाँ हो सकती है। अगर मान लीजिए उसके बाद चंद्रमा, ये हिस्सा चंद्रमा का है, अगर चंद्रमा पे तिल है तो ऐसा जाकर गुस्सा बहुत अधिक करता है, गुस्से के कारण अपना नुकसान कर लेता है अगर चंद्रमा पे तिल है तो। ऐसे लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को। उसके बाद ऐसे लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व है उसकी अत्यधिक कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। और ऐसे लोग जो है कल्पनाशील होते हैं कि अरे मैं तो ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, और जब वास्तविकता में आते हैं तो कुछ नहीं, मतलब ये कल्पना में रहने का इन लोग को शौक होता है, ठीक है, अगर ये चंद्रमा पे तिल है तो। ऐसे जातक यात्रा बहुत करते हैं अगर चंद्रमा पे तिल है, और ज़्यादातर यात्राएं जो हैं उनकी ख़राब हो जाती हैं या फिर उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। उसके बाद हम जो बात करेंगे मंगल पे, ये मंगल का है, सबसे पहले निचले मंगल की बात करते हैं, नीचे वाला मंगल जो है, ये अंगूठे के बगल में जो हिस्सा है मंगल है, मेरी पहली वीडियो को देखिएगा आप उसमें समझ जाएंगे मंगल कहाँ होता है। तो मंगल पे अगर तिल का निशान है, ऐसे लोग अहंकार में जीते हैं, ऐसे लोग गुस्सा करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर एक अलग सी बेचैनी होती है, ऐसे लोग ब्लड प्रेशर के रोग से पीड़ित हो जाते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर की समस्या जो है उनकी शुरू हो जाएगी और कम उम्र से शुरू हो जाएगी। इसलिए योगा जो है अत्यधिक जो है इन लोगों को करना चाहिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी कर, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर पाएँ। ऐसे लोगों को पानी अत्यधिक पीना चाहिए, अगर मंगल पे पर्वत पे तिल है तो ऐसे लोगों को पानी अत्यधिक पीना चाहिए। ऐसे लोगों को कोई भी ज़मीन हुआ या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपको खरीद फरोख करना है, बेचना है, अब किसी ना किसी की राय जरूर लेनी चाहिए, घर परिवार या फिर वाइफ हैं, अगर वाइफ हैं तो उनकी राय लें। राय ले के ऐसे लोगों को काम करना चाहिए जिससे इनकी ये दिक्कतें परेशानियां जो हैं कम हो सकें, नहीं तो इनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। चोट चपेट बहुत बुरी लगती है ऐसे लोगों को, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, और ख़ासकर जब चोट लगेगी तो सर के ये यहाँ जहाँ से बाल शुरू होते हैं उसके ऊपर, चोटी के ठीक नीचे यहाँ चोट लगती है। ऐसे लोगों को जीवन में कम से कम 5 से 6 बार जो है चोट जरूर लगती है, 5 से 6 बार चोट जरूर लगती है। उसके बाद जो है अगर राहु पे तिल है, राहु का बीच का हिस्सा मैंने आपको बताया, हथेली के बीच का हिस्सा जो राहु का होता है, ऐसे लोग पेट के रोगी होते हैं, ऐसे लोगों को गैस की समस्या होती है, ऐसे लोगों में वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें परेशानियां आती हैं, महत्वाकांक्षाएँ अत्यधिक होती हैं, और जिसका पूरा होने का जो है कम ही चांसेस रहते हैं कि इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो पाए। एक चीज़ ध्यान रखिए, ऐसे लोगों को इष्ट की जो है आराधना आवश्यक है, ऐसे लोगों को इष्ट की आराधना जरूर करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि नाक पे तिल होना, सब इस एरिया पे तिल होना, अगर नाक पे तिल है किसी के तो ये दिखाता है, संघर्ष को दिखाता है। ऐसे लोग तरक्की करते हैं लेकिन बहुत धीमे धीमे बड़ा समय लगता है चीज़ों को पाने में, जितना अपेक्षाएं करते हैं उस हिसाब से कि हम इतने समय में ये कर लेंगे वो हो नहीं पाता है, उसमें अत्यधिक मेहनत भी लगेगी और अत्यधिक समय भी लगेगा। ऐसे लोगों को कहा जाए शनि, शने शने, तो शने शने मतलब होगा धीरे धीरे जो है इन लोग की तरक्की होती है। उसके बाद पाँव में अगर तिल, पाँव वाले तिल, अत्यधिक लोगों को पता होगा कि यात्राएँ बहुत करनी पड़ती हैं ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को जो है विदेश, लेकिन विदेश घूमने का ऐसे लोगों को मौका मिलता है, और एक बार नहीं कई बार मौका मिलता है। और ऐसे लोग जो है टूर ऑर्गेनाइज़र होते हैं, टूर ऑर्गेनाइज़र हो गए या फिर जो है एक्सपोर्ट का काम कर लिया इन्होंने, या फिर देश विदेश से संबंधित किसी प्रकार का भी कार्य, विदेशों में एक्सपोर्ट करने का कार्य हो गया। और ऐसे लोगों को वैसे जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि विदेश घूमने का कई बार मौका मिलता है। अगर ये तिल पैर के तलवे में है तो ठीक है, ऐसे लोग सुंदर, इनकी स्त्रियां जो हैं सुंदर दिखती हैं या फिर कह लिए गुणवान होती हैं, और जातक भी सामान्यतः जो है सुंदर होगा जिसके पैर के नीचे जो है तिल है। उसके बाद जो है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब मैं जो बता रहा हूँ तिल का, लड़कों में ध्यान रखिएगा दाहिनी तरफ, लड़कों में दाहिनी तरफ, लड़कियों में बाईं तरफ, शरीर के आधे अंग को देखिएगा, लड़कों में दाहिने तरफ, लड़कियों में बाईं तरफ ही ज़्यादा ये कार्यरत कार्य करते हैं, या फिर इनसे अच्छा या बुरा जो है आप देखिएगा तो इसका ध्यान रखिएगा किस तरफ आपके तिल है। लड़कियां हैं, लड़कियां देख रही हैं तो उनके बाईं तरफ, लड़के देख रहे हैं उनके दाहिनी तरफ।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं आता हूँ चेहरे पे। अगर चेहरे पे कोई तिल है, इस जगह पे तिल है, तो ये राजयोग की निशानी, इसको कहते हैं राजयोग। अब उसमें देख लीजिएगा लड़कों और लड़कियों में किस तरफ है, अगर उल्टी साइड है तो वो फलित नहीं है। तो ये राजयोग की निशानी, इन लोगों को मेहनत का बहुत कम करनी पड़ती है और कम मेहनत में अत्यधिक लाभ मिल जाता है। और इनकी जो है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि आँखों के आसपास ना हो, आँखों के पास मैं आगे बताऊँगा, चेहरे पे, इस गाल पे हो, ठीक है ना, गाल पे अगर तिल है तो कम मेहनत में अधिक लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को धन की कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होती है। ऐसे लोगों को मान सम्मान प्रतिष्ठा सारी चीज़ें लगभग लगभग समय से मिल जाती है। इसके बाद ओठ पे तिल, ओठ पे तिल वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा गया। ओठ के अगल बगल में तिल है या ओठ पे तिल है तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। उसके बाद कान पे अगर तिल है, अगर किसी के कान पे तिल है मान लीजिए, तो ऐसा जातक जो है ज्ञानी बहुत होगा, उसको ज्ञान बहुत होगा, लेकिन धन के हिसाब से देखा जाएगा तो उतना धन उसके पास नहीं होगा। भले ही किसी मठ का मठाधीश बना दिया जाए, पद तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, पद के लिए अच्छा है लेकिन धन के लिए अच्छा नहीं है। पद बहुत बड़ा हो गया फिर भी जो है उसकी जेब में जो है उतना धन नहीं होगा जिस हिसाब से होना चाहिए। ये सीमित धन को दिखाता है कि आपका जो है जीवन यापन हो जाएगा और बस। इसके अलावा जो है चीज़ें जो है आप केवल जो है स्वप्न में ही आप सोच सकते हैं, बाकी नहीं सोच सकते हैं, अगर कान पे तिल है तो। उसके बाद जो है हम एक चीज़ और, ये निर्धनता का भी योग कहलाता है। अगर कान पे तिल है मान लीजिए तो ये निर्धनता का योग भी कहलाता है, ठीक है ना, कि उस हिसाब से आदमी धनवान नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से चाह रहा था या फिर होना उसको होना था। इसके बाद आते हैं गर्दन पे, अगर कंठ पे जो हम बोलते हैं इस जगह पे है जिसे हम कहते हैं विशुद्धि चक्र पर तिल है, ये अच्छा नहीं कहलाता है। इसको कहा गया है कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, धन उस हिसाब से नहीं आएगा, बोल के अपना जो है चीज़ों को वो ख़राब कर लेंगे अगर कंठ पे तिल है तो। इसके बाद जो है छाती पे, छाती मतलब चेस्ट पे अगर तिल है तो ऐसा, हालांकि ओवरऑल कहा जाएगी अच्छा तिल नहीं माना जाता है, और ख़ासकर लाल तिल है तो ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ हैं, काला है तो कम है। ऐसे लोगों के अंदर फैट की, अगर छाती पे तिल है, पुरुष और स्त्री जो मैंने बताया है आपको उस हिसाब से देखेंगे, फैट की समस्या ऐसे लोगों को होती है, मोटापा। अपने फैट पे हरदम कंट्रोल करके रखना चाहिए, नहीं तो शरीर जो है बहुत तेज जो है फैट पकड़ता है। इनका शरीर जो अचानक जो है फैट के लिए बढ़ता है या फिर अचानक जो है इनको मोटापा आ जाता है। ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है, ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा, ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है। ऐसे लोगों में थायराइड की समस्या होती है, ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल और थायराइड की समस्या होती है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर कोशिश करें कि गर्म पानी पिएं, जो उबला हुआ पानी हो वो पिएं, उसको ठंडा कर लें। नॉर्मल जो है मतलब कि ना ठंडा हो ना गर्म, हल्का गर्म गुनगुना टाइप का उसको पिया करें। अगर किसी के पेट पे तिल है, पेट पे तिल का भी दो मैं कहूँगा, लाल तिल अलग और काले तिल का अलग रोल है। काला तिल है तो दिक्कतें उतनी नहीं होंगी, परेशानियां उतनी नहीं होंगी। अगर लाल तिल है तो अब लाल तिल के बारे में बताता हूँ। पेट पे अगर लाल तिल आपके जो है दाहिने या बाएं अपना हिसाब से देख लेंगे, काला तिल का जो मैंने बताया कि खराब नहीं माना जाता है, और लाल तिल अगर आपके पेट पे होता है तो खासकर स्त्रियों को पहले मैं बताता हूँ, स्त्रियों में अगर लाल तिल है और वो बाईं तरफ है, इस तरफ है, ठीक है ना, ऐसी स्त्रियों को संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है क्योंकि उनकी यूट्रस में समस्याएं परेशानी होती है। ध्यान रखिएगा, यूट्रस में समस्याएं परेशानियां होंगी, ठीक, यूट्रस में सर में समस्याएं परेशानी होंगी, ठीक है, और ये दाहिनी तरफ होगा, बाईं तरफ होगा तो ज़्यादा होगी, दाहिनी तरफ होगा तो कम होगा, लेकिन होगी ज़रूर, ठीक है। अगर लाल तिल है इसमें, ये वाला फंडा जो है दाहिने बाएँ वाला जो है हर जगह मैंने बताया, एक इस तरफ है ज़्यादा है, इस तरफ है कम है, अगर अपोजिट है दोनों का तो लाल अगर तिल महिलाओं के बाएं साइड है तो दिक्कतें ज़्यादा होंगी, अगर दाहिने साइड है दिक्कतें कम होंगी, और खास यूट्रस का वो लोग जांच करा लेंगे, यूट्रस संबंधी समस्या परेशानी ज़रूर होगी। उसके बाद हम आप बात करते हैं रीढ़ की हड्डी पे, रीढ़ की हड्डी पे अगर तिल होता है, ये कमज़ोर स्नायु तंत्र को दिखा